हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। हमने एक कैपेसिटर का जैसे सिलेंड्रिकल लिया था, पैरेलल लिया था और स्फेरिकल, तीनों का हमने सिंगल कैपेसिटर निकाल लेके उनका कैपेसिटेंस निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो तो उनका हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो हम कैपेसिटर की ग्रुपिंग दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो सारे कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करके, एक सभी कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे हम देखते हैं। हमने एक 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 कैपेसिटर ले लिया, एक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा कैपेसिटर का सिंबल यही होता है, हमने यही बताया था कैपेसिटर का सिंबल हमारा ये होता है। तो हमने क्या, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लेने हैं। एक कैपेसिटर होगा, इसका कैपेसिटेंस मान लिया हमने C1 है। एक हमने दूसरा कैपेसिटेंस ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसका कैपेसिटेंस C2 है। तीसरा कैपेसिटर लिया, वो हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसका कैपेसिटेंस है वो C3 है। तो जब ऐसे नंबर वाइज हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये जो कनेक्शन ये दिख रहा है, ये कैसा हमारा सीरीज कम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम हमारा चार्ज होता है, हमने पता है प्लेट्स पर, अगर हम दो प्लेट्स ले रहे हैं तो एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज होता है। तो हम कैसे करेंगे, ये प्लेट ए होगी, ये प्लेट बी सी डी ई और एफ, हमारे पास ये 6 प्लेट्स हैं। क्या करेंगे हम, ए प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देंगे, प्लस क्या चार्ज दिया हमने ए प्लेट को। अब क्या होगा, चार्ज इंडक्शन से बी प्लेट के इस साइड हमारा कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा, इसके अंदर वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे होता हमारा इस वाले प्लेट का। इसके दूसरे को अर्थ कर देते हैं हम, इसके दूसरे साइड को सेकेंड कैपेसिटर से हमने कनेक्ट कर दिया। तो इसके इस तरफ क्या होगा, हमारा प्लस चार्ज इंड्यूस होगा, इधर प्लस था तो इधर माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया, तब इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा। अब क्या होगा, जो प्लस चार्ज है, हम एक सिंगल कैपेसिटर होता था वो अर्थ में चला जाता था, अब क्या होगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है इस कैपेसिटर के सी प्लेट पे आ जाएगा, तो इस प्लेट के क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। और क्या होगा, इस प्लेट के इस साइड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किससे, C3 कैपेसिटर के पास चला जाएगा। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, इसके पास प्लस क्या और इसके प्लस पास माइनस क्या, और जो प्लस क्या हो था बाकी का, वो कहाँ चला जाएगा, हमारा अर्थ में चला जाएगा। ऐसे हम करेंगे, ये क्या है जो कम्बिनेशन, इसको क्या बोलेंगे हम, सीरीज कम्बिनेशन बोलेंगे। तो जो सीरीज कम्बिनेशन लिया है उसमें हमारा जो चार्ज है, चार्ज हमने प्लस क्या दिया था वही चार्ज हमारा सारा डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब टोटल चार्ज हमने दिया वो क्या, हमारा टोटल चार्ज हमने क्या दिया, क्या दिया है, यहाँ पे क्या चार्ज दिया, क्या दिया था उसका इंडक्शन होके सब पे गया, मतलब सब पे सेम सेम चार्ज है हमारा, कैपेसिटेंस पे क्या है क्यू चार्ज है। हमारी अब वोल्टेज क्या होगी, सीरीज में हमारी वोल्टेज अलग अलग होगी, कैसे, इस कैपेसिटेंस का वोल्टेज डिफरेंस अलग होगा, इसका वोल्टेज डिफरेंस अलग होगा, और जो इसका वोल्टेज डिफरेंस है वो अलग होगा। इसको हम V1 मानते हैं, इसको हम V2, और ये क्या होगा V3, और जो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो, सॉरी टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या हमारा V होगा। मतलब यहाँ से क्या, हमारा जो टोटल पोटेंशियल उसको कैसे लिख सकते हैं हम, V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे लिख लेंगे। अब हमारा क्या है, जो चार्ज है, जो टोटल चार्ज क्या हुआ है, और क्या हुई सबके पास, इसके पास भी क्या हुआ, इसके पास भी क्या हुआ, इसके पास भी क्या, मतलब जो चार्ज है वो सीरीज में क्या है, हर कैपेसिटर के पास सेम है, और जो वोल्टेज है सीरीज में क्या है, हर कैपेसिटर की वोल्टेज हमारी अलग अलग है, टोटल वोल्टेज क्या हमारी वी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी हमारी, V1 प्लस V2 प्लस V3 सबका सम होगा वही हमारा टोटल आएगा। तो यहाँ से हमारी टोटल वोल्टेज आ गई। अगर हम V1 की वैल्यू निकालें, V1 की वैल्यू क्या होगी, हमने एक ये इक्वेशन पढ़ी थी, क्या होता है हमारा C इज इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू बाई बी, ये इक्वेशन होती है हमारी, कैपेसिटेंस निकाला था उसमें पढ़ी थी। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आएगी हमारी, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो V क्या हो जाएगा हमारा क्यू बाई सी। ये तो हमारा टोटल वोल्टेज किसके बराबर, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस। अगर V1 के, सॉरी जो C1 कैपेसिटर उसके अक्रॉस निकाले वोल्टेज तो क्या होगी, उसको V1 से डिनोट किया हमें, तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू चार्ज क्या है इसके ऊपर, क्यू चार्ज है, और इसका कैपेसिटेंस क्या माना हमने, C1 माना है। V2 का क्या होगा, हमारा क्यू चार्ज ही है और कैपेसिटेंस क्या है इसका, C2 है। V3 का क्या है, चार्ज वही क्यू चार्ज है और कैपेसिटेंस क्या हमारा C3 हो गया। अब क्या करनी है, जो ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन क्या होगी हमारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, पांच इक्वेशन होगी। हम क्या करेंगे, इन सब इक्वेशन का यूज करेंगे, मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, इन इक्वेशन से क्या आएगा हमारा, V की वैल्यू निकाली हमने, V1 की निकाली, V2 की निकाली, V3 की निकाली, सारी वैल्यू क्या हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, V की क्या वैल्यू है, Q बाई सी
इज इक्वल टू वी वन के क्या है, क्यू बाई सी वन प्लस का क्यू बाई सी टू प्लस का क्यू बाई सी थ्री, सब में से क्या इस तरफ से भी क्यू कॉमन, इस तरफ से भी क्यू हमारा कॉमन है, तो क्या आएगा इधर क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्यू कॉमन आ गया हमारा, तो क्या बचा वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, ये बचा यहाँ से क्यू कैंसिल, तो क्या आ गया वन बाई सी इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, तो हमारा जो रिजल्टेंट कैपेसिटर है वो क्या है, जो रिजल्टेंट कैपेसिटर हम वन अपॉन सी को नहीं बोलेंगे, जो सी है वो हमारा रिजल्टेंट कैपेसिटर है, तो क्या है रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट कैपेसिटर है वो इक्वल टू क्या है रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर का सम हो गया, क्या है मतलब जो हमारा रिजल्टेंट तो सी है, वन अपॉन सी हम रिजल्टेंट नहीं लेंगे, हम यही गलती करते हैं अगर न्यूमेरिकल निकालेंगे इसके ऊपर, तो क्या करते हैं हमें सी वन सी टू सी थ्री की वैल्यू दे दी, ये पुट करेंगे सिर्फ इसमें पुट कर देते और वन बाई सी की वैल्यू निकाल के हम आंसर बताते हैं, हमारा वो आंसर नहीं होता उसका रेसिप्रोकल करेंगे फिर से, ये रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट है हमारा, ये पूरा रिजल्टेंट नहीं है हमारा, ओनली सी रिजल्टेंट है, तो यहाँ से क्या आएगा जो हमारा रिजल्टेंट है इस इक्वेशन को अगर हम बोलें तो कैसे बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, मतलब सबका क्या है इंडिविजुअल जो कैपेसिटर्स है उनका रेसिप्रोकल लेंगे और फिर क्या करेंगे उनका सम करेंगे, तो हमारा ये कम्बिनेशन किस में आया इन सीरीज में, जब हमारे जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर्स है वो क्या सीरीज में कनेक्टेड है, तो हमारा जो कैपेसिटेंस निकालेंगे टोटल कैपेसिटेंस वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, आपने रेजिस्टेंस में पढ़ा होगा अगर हम रेजिस्टेंस का सीरीज में निकालते तो हमारा रिजल्टेंट क्या आता है, हमने ये 10th में पढ़ा था आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ओनली सिंपल सम होता है हमारा, तो ये दोनों रिवर्स होते हैं, कैपेसिटर में सीरीज में क्या होगा रेसिप्रोकल में आएगा और जो हमारा रेजिस्टेंस में होता है वो डायरेक्ट सम होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस अगले चैप्टर में भी आएगा, तो क्या इन दोनों में हम रिलेशन दे सकते हैं, ये क्या होता है सीरीज में रेसिप्रोकल में होता है और ये क्या होता है हमारा डायरेक्ट सम होता है, तो ये क्या था हमारा कैपेसिटर्स इन सीरीज, हमारा अगले कॉम्बिनेशन होता है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ रहे हैं हमारा, तो पहला क्या था हमारा कैपेसिटर्स ऑफ इन सीरीज, हमारा अगला टॉपिक है कैपेसिटर्स इन पैरेलल, हमने पहले सारे कैपेसिटेंस को नंबर ऑफ कैपेसिटर्स दे रखे उनको सीरीज में कनेक्ट किया था, अब हम क्या करेंगे जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, हम एक कैपेसिटेंस लिया ये दूसरा कैपेसिटेंस लिया और ये हमारा थर्ड कैपेसिटेंस, क्या करेंगे हमारा जो इस साइड के ये कैपेसिटेंस हमारा सी वन होगा ये सी टू होगा ये सी थ्री होगा, तो सी वन की इस साइड वाली जो राइट हैंड साइड वाली प्लेट है सी टू की राइट और सी थ्री की राइट क्या है सेम पोटेंशियल से कनेक्ट है एक पॉइंट से कनेक्ट है, और इनकी लेफ्ट साइड वाली प्लेट है वो क्या है एक पॉइंट से कनेक्ट है, तो ऐसे क्या हो गए सीरीज में कनेक्ट हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा इनका तो टोटल वोल्टेज हमारी सो टोटल पोटेंशियल भी होता है हमारा, तो टोटल भी होगा, अब टोटल भी होता है इसके पैरेलल में, पैरेलल का क्या मतलब इसके अक्रॉस भी है हमारा, इसके अक्रॉस भी है इसके अक्रॉस भी है, क्योंकि क्या है ये हमारा अलग अलग पॉइंट से कनेक्ट है, इनकी सारी राइट साइड वाली प्लेट से एक पॉइंट से कनेक्ट है, लेफ्ट साइड वाली सारी एक पॉइंट से कनेक्ट है, तो टोटल पोटेंशियल हमारा भी होता है, तो हमारा सी वन के अक्रॉस भी सी टू और सी थ्री सबके अक्रॉस क्या होगा पोटेंशियल भी ही मतलब सेम पोटेंशियल होगा सबके अक्रॉस, मतलब कि सेम पोटेंशियल, उसमें क्या था सीरीज में हमारा सेम क्या था चार्ज था, इसमें हमारा क्या सेम है वी सेम है पोटेंशियल सेम है, इसमें चार्ज देंगे तो क्या होगा इसमें अलग चार्ज होगा, इस पे क्यू वन चार्ज जाएगा इस पे क्यू टू चार्ज जाएगा इस पे क्यू थ्री चार्ज जाएगा अलग, क्योंकि यहाँ से हमने कुछ चार्ज दिया तो चार्ज देंगे तो क्या होगा कुछ इसमें फ्लो करेगा कुछ इसमें फ्लो कर जाएगा कुछ इसमें फ्लो कर जाएगा, मतलब कि अलग अलग अमाउंट में हमारे पास चार्ज जाएगा, इस पे क्यू वन जाएगा इस पे क्यू टू जाएगा इस पे क्यू थ्री जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा अगर हम टोटल चार्ज निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, यही आएगा हमारा टोटल चार्ज, अब वही इक्वेशन जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिया था हमने वही से ड्राइव करेंगे, क्या था हमारा कैपेसिटेंस क्यू बाई बी था, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आएगी हमारी कैपेसिटेंस इंटू में वोल्टेज, तो हमारा क्यू की वैल्यू क्या आएगी जो टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल आएगा हमारा टोटल कैपेसिटेंस इंटू में टोटल वोल्टेज, ये आएगा अगर हम क्यू वन चार्ज निकाले तो क्या आएगा हमारा क्यू वन चार्ज किसके रिस्पेक्ट में हमारा सी वन कैपेसिटर में, और वोल्टेज क्या है उसके अक्रॉस वी सेम ही है, क्यू टू के लिए चार्ज क्या हमारा सी टू इंटू वी, और क्यू थ्री के लिए क्या चार्ज होगा हमारा सी थ्री इंटू वी, हमने क्यू वन की क्यू टू की क्यू थ्री की वैल्यू निकाली और हमें टोटल चार्ज का पता होगा, क्या करेंगे इन सब की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्या करेंगे हमारी इक्वेशन फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग
इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, क्यू की क्या वैल्यू थी, सी इन टू वी, तो सी इन टू वी, क्यू वन की क्या वैल्यू थी हमारे, सी वन इन टू वी प्लस का सी टू इन टू वी प्लस सी थ्री इन टू वी। अब क्या इनमें से सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, सी वी इज इक्वल टू, इसमें से क्या हमारा पोटेंशियल सबका सेम है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तो यहाँ से वी कैंसिल हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगा हमारा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तो हमारा पैरेलल कम्बिनेशन में क्या है हमारा डायरेक्ट सम आया कैपेसिटेंस का, रिजल्टेंट क्या है हमारा, रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस आया है पैरेलल कम्बिनेशन में क्या है, जो भी हमने कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट किए उनका जो कैपेसिटेंस है उनका डायरेक्ट सम है। हमने रेजिस्टेंस अगर इसको कंपेयर करें, यह क्या है इसमें पैरेलल में हमारा, अगर हम इनको रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन से वो करेंगे कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट क्या आता है, वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, यही होता है, ये रेजिस्टेंस का पैरेलल में होता है और कैपेसिटर्स का पैरेलल में, ये होता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कम्बिनेशन देखते हैं इनका, देखते हैं इनका सीरीज में पैरेलल में इनका अलग होता है इनका अलग होता है, तो क्या देखें एक दूसरे के रिवर्स दिख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस के सीरीज में होता था लेकिन ये कैपेसिटर के पैरेलल में आ रहा है, ये रेजिस्टेंस के पैरेलल में आ रहा है, तो कैपेसिटर का जो सीरीज कम्बिनेशन कर रहे थे वो इस टाइप का आ रहा है। तो ये था हमारा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में हम क्या कर सकते हैं, उनको नंबर ऑफ कैपेसिटर उनको सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा सीरीज में कम्बिनेशन आया उसका टोटल कैपेसिटेंस देख लिया हमने और जो पैरेलल कम्बिनेशन किया उसका टोटल कैपेसिटेंस देख लिया। तो ये थे हमारा आज के टॉपिक कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। थैंक यू स्टूडेंट्स।